दोस्तों ये कोई जल पार्किंग नहीं है। अब आप देख रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं, इधर सामने देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कारें पानी में आधी डूबी हुई हैं, और इधर देखें 2 इधर हैं, और दिखा रहे हैं आपको, इधर देखें, इधर लगभग 1 2 3 4 5 6 गाड़ियां इधर हैं। ना ही ये कोई नदी है, ना ही ये कोई तालाब है, ये फरीदाबाद की एक मुख्य सड़क है लेजरबली पार्क के सामने की, और यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थीं आधी डूब गई, बंद हो गई, और आवागमन तो पूरी तरह से बंद ही है, आपको पता ही होगा जो है, इधर कई गाड़ियाँ बंद हैं, और शायद ट्रैक्टर से इन गाड़ियों को खिंचवाया जाएगा। और आपको बता दें कि आज जैन समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, यहाँ जैन समाज की एक मंदिर भी है, देखते हैं 35वां पावन वर्षयोग कार्यक्रम है आज धाम लाल मंदिर एनआईटी फरीदाबाद, और ये लोग शायद यहीं आए थे, सब ने गाड़ियां खड़ी की थी इधर उधर, लेकिन सब गाड़ियां आधी डूब गई हुई है, देख सकते हैं, ये देखें ट्रैक्टर बुला लिया गया है, शायद गाड़ी को खिंचवाया जाएगा, अभी दिखाते हैं, देखें अब ट्रैक्टर खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन शायद रस्सी टूट गई, एक बार फिर तार बांधा गया है कार में, पहली बार रस्सी टूट गई थी, तार टूट गया, दोबारा भी शायद टूट ही गया, नहीं निकल पा रही गाड़ी, और भाई साहब परेशान हो गए हैं, शायद कहीं ज़रूरी काम से जाना है इन्हें जो है, ट्रैक्टर आगे निकल गया, रस्सी फिर टूट गई, बहुत बुरा हाल हो गया है। और आपको बता दें कि वही जगह है लेजरबली पार्क के सामने, ऐसा नहीं बहुत लंबा चौड़ा रोड है, 70-80 फीट लंबी चौड़ाई, लेकिन हाल बेहाल हो गया है, कोई भी गाड़ी नहीं चल पा रही है, ट्रैक्टर भी जवाब दे रहे हैं, गाड़ियों को नहीं खींच पा रहे हैं जो है, रस्सियां टूट जा रही हैं, तमाम गाड़ियां आधी डूबी पड़ी हैं। सामने टेंट लगाया, ये बता दें आपको जैन समाज का बड़ा कार्यक्रम था, और कल रात्रि मैंने अपने तमाम पाठकों से बताया था कि फरीदाबाद नगर निगम नाले नालियों की सफाई नहीं कर रहा है, मानसून सिर पर है, और आज देखें सुबह सुबह ही मानसून आ गया, ये देखें तमाम गाड़ियां बंद पड़ी हैं, जाम पड़ी हैं, और एक भाई साहब को कहीं जल्दी जाना था, उन्होंने ट्रैक्टर बुलवाया, अभी हमने दिखाया कि ट्रैक्टर भी नहीं गाड़ी निकाल पाया। इधर बताते हैं कोई नदी तालाब नहीं है, एक मुख्य सड़क है सेक्टर 50 की लेजरबली पार्क के सामने, ये देखें बड़ा सा पार्क है, अभी थोड़ा मैं पार्क भी दिखा दूंगा आप लोगों को, आगे बढ़ चल रहे हैं, ये है वो बहुत ही खूबसूरत पार्क जिसे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उद्घाटन किया था जिसका, और पूर्व मंत्री शिवचरण लाल शर्मा ने इसे बनवाया था, पंडित शिवचरण लाल शर्मा ने, बड़ा पार्क है 14-15 एकड़ में, और इसके सामने की सड़क का नज़ारा मैं अभी आपको दिखा रहा था, ये हाल बहुत बेहाल है, खैर पार्क में भी थोड़ा बहुत पानी भर गया है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं पार्क में, हरियाली काफ़ी है, ये देखिए हरियाणा तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।